जैसे तवा लिया आपने, तवे के ऊपर नमक डाल लिया या मट्टी डाली या बजी डाली, क्योंकि और जो जिस पात्र में आप उबाल रहे हो वो पात्र ऊपर रखना है। जिस दिन आप नहाओगे उसके एक घंटे के बाद से आपका डैंड्रफ गायब। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु भट्ट। द हेल्थ शो में आज हम डॉक्टर अशोक मिश्रा जी से जानेंगे डैंड्रफ के बारे में कि डैंड्रफ क्यों होता है और किन घरेलू नुस्खों के माध्यम से, किन जड़ी बूटियों के माध्यम से, कौन से तेल से और आयुर्वेद के माध्यम से कैसे आप घर पर ही डैंड्रफ से परमानेंट छुटकारा पा सकते हैं। सर आपको मेरा प्रणाम और बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर डैंड्रफ की प्रॉब्लम का सामना ना हर इंसान करता है। बिल्कुल। सर्दियों में बहुत होके बढ़ जाता है, कईयों के परमानेंट रहता है और यही डैंड्रफ हेयर फॉल का कारण भी बन जाता है। लेकिन ये डैंड्रफ होता क्यों है, क्यों हो रहा है इतना ज्यादा? देखिए डैंड्रफ के दो कारण है, एक तो विटामिन, एक विटामिन है B12 जी, जिसकी भी किसी की बॉडी में डैंड्रफ है ये समझे विटामिन B12 कम है। अच्छा। डे फर्स्ट से उसको विटामिन B12 लेना चाहिए, एक जी। दूसरी बात, हमारे पेट के अंदर जब पित्त बनेगा, हमारे अंदर वात पित्त कफ, पित्त का जब ज्यादा होगा तो ऑपरेशन होगा स्कैल्प में, जो भी चिकन हार्ट है वो सूख जाएगी, जो नरिसमेंट है, जो चिकन हार्ट है, जो पोषण है, जो नमी है वो सूख जाएगी। जब हमारे स्कैल्प की पोषण सूख जाता है और चिकन हार्ट सूख जाती है तो ड्राइनेस आ जाती है जी। ड्राइनेस आने के मतलब जो ऊपर की स्किन है उसको पोषण नहीं मिल पाता, तो उसका खून के तौर पर एक तरह से आपको देखो पर्ची निकलती आएगी। जब देखो पर्ची और पर इतनी होती है कि वो यहाँ तक आ जाती है, बहुत तक आ जाती है। तो वो जो ड्राइनेस थी ना यहाँ पे, वो यहाँ तक भी है। कभी आपने देखा वो ड्राइनेस यहाँ तक आ जाती है, यहाँ तक आती है। जब आप बाहर के कोई शैम्पू यूज करते हैं तो वो कुछ दिन के लिए वहाँ की ड्राइनेस को खत्म कर देती है, लेकिन जब तक आपका पेट ठीक नहीं है, जब तक आपका B12 ठीक नहीं है, वो डैंड्रफ कंटिन्यूस होता रहेगा। अच्छा, मतलब हमारा पेट अगर खराब है, गर्मी है, कब्ज है, तो वो पित्त ज्यादा बन रहा है, एसिड का रूप का पित्त बनता है, वो ऊपर जाएगा तो इसको जो है सुखा देगा। तो मतलब अगर हमें डैंड्रफ भी रोकना है, बाल झड़ना भी रोकना है या शरीर की कोई और प्रॉब्लम भी है, तो सबसे पहले हमें अपने इस पेट का ध्यान रखना पड़ेगा, इस पेट को साफ रखना पड़ेगा, साफ भी रखना पड़ेगा, ठंडा भी रखना पड़ेगा। सर ये तो चलिए एक वैसे रीजन हो गया कि हाँ जो भी चीज हो रही है पेट की वजह से, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से हो रही है। और ऐसी B12 के अलावा बहुत से मिनरल्स विटामिंस है और भी बहुत कारण होते हैं। क्या जो लोग अननेसेसरली दवाइयां खाते हैं, लंबे समय तक दवाइयां खा रहे हैं, कोई सी भी प्रॉब्लम हुई केमिस्ट के पास चले गए कि हरी गोली, लाल गोली, पीली गोली दे दो, तो क्या अननेसेसरली दवाई खाने की वजह से भी डैंड्रफ होता है? बिल्कुल होता है, उससे ज्यादा होता है। मैंने बोला ना पित्त बनता है जब आप अननेसेसरी दवाई लेते हैं, स्टेरॉइड लेते हैं, कोई एंटीबायोटिक लेते हैं, तो अंदर का जो इंटेस्टाइन का जो नमी है वो सूख जाती है, गर्मी हो जाती है। अब वो गर्मी ऊपर चढ़ रही है, वो ऊपर जा रही है तो आप ऊपर का पोषण सूख गया। जितनी भी आप मेडिसिन एलोपैथी खाते हैं, तो जब भी तो डॉक्टर देखो ना, जो भी एलोपैथी मेडिसिन आप लेते हैं उसके साथ वो ऐसी लॉग वगैरह देते हैं, एपराजोल वगैरह देते हैं कि देते हैं भाई इसको गर्मी ना पड़ जाए, लेकिन फिर भी वो सफिशिएंट नहीं होती है। उसकी वजह से जो भी दवाई खाएगा उसके बालों में दिक्कत आएगी, उसको डैंड्रफ होगा, उसको खारिश हो सकती है। अच्छा, तो ये भी कारण है जो आपने कहा ना, एलोपैथी मेडिसिन कोई भी हो तो उसको डैंड्रफ हो सकता है, क्योंकि यहाँ का नमी सूख गई है, उसको पोषण नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से डैंड्रफ हो जाता है। और सर जैसे सर्दियां आती है तो सर्दियों में लोग हर कोई गर्म पानी से नहाता है, हाँ। तो क्या गर्म पानी अगर हम सिर पर डालते क्या वो डैंड्रफ का कारण बनता है? वो भी बनता है, लेकिन क्या है खुश्की होती है गर्मियों में, हाँ। आप देखो हमारे होंठ फट जाते हैं, स्कैल्प भी यहाँ स्किन सूख जाती है, हाँ। तब ज्यादा होता है, पहले थी वो और हो गई तो सोने में सुहागा हो गया, तो इस सीजन में सर्दी के सीजन में ज्यादा हो जाती है, हाँ। क्योंकि ड्राइनेस ज्यादा बढ़ जाती है, खुश्की ज्यादा हो जाती है, इस वजह से ऐसा। लेकिन वो ज्यादा गर्म पानी का गर्म नहाए, जैसे कईयों को बिल्कुल एकदम गर्म पानी चाहिए, वो तो उल्टा गर्म कर रहा है ना, वो तो और सुखा रहा है, और वो तो उल्टा काम कर रहा है, उनको पोषण चाहिए बल्कि वो तो गलत कर रहा है, तो मतलब वो गर्म पानी और प्रॉब्लम को बढ़ा रहा है, तो डैंड्रफ उससे बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़ेगा। डैंड्रफ को ठीक करने के लिए क्या लगाना चाहिए सर पे? पहले तो बिल्कुल छोटा सा उपाय बताऊंगा मैं, राय ओट पहाड़ है, बिल्कुल छोटी दवाई बताऊंगा। किसी को भी डैंड्रफ हो, कितना ही हो जी, जो भी आप पानी नहा रहे हो, मतलब कोई बकलेट भर लिया आपने पानी से, उसमें एक नींबू निचोड़ देना, नींबू निचोड़ नहा लेना। जिस दिन आप नहाओगे उसके एक घंटे के बाद से आपका डैंड्रफ गायब, लेकिन इसको करते रहिए, नहाने के एक घंटे के बाद डैंड्रफ गायब। ये मेरा टाइम टेस्टेड फार्मूला है, तो इतनी चीज है ये बताने के, तो बोलने भी छोटी चीज बताऊंगा, लेकिन शुरुआत यहां से कर लीजिए, शुरुआत यहां से कर लीजिए। एक बकलेट में एक नींबू पानी निचोड़ दिया, एक बाल्टी में एक नींबू, और आराम से नहा लिया,
हमारे घर में तो क्या, हमारी मदर क्या करती है, जो नींबू का अचार डालते थे ना, तो नींबू का रस निकाला, रस निकालते थे आयुर्वेद में, तो रस निकाला वो नींबू रख लिए, दो चार नींबू ही निचोड़ हुए नींबू बाल्टी में डाल दिया, नहा ली, ऐसी खुशबू और ऐसे बाल खिल जाते, कोई डेटर नहीं, कोई लेना देना। तो वहां से वो इन्वेंशन हुई। दूसरा आपको कहते हैं मैं पूरी बाल्टी में डालूंगा, तो ठीक है एक एक लीटर में डाल लीजिए, आधा नींबू निचोड़ लीजिए, एक नींबू निचोड़ लीजिए और उसको साफ कर लीजिए, उससे पांच मिनट बाद फिर सारा डाल दो, एक दिन भी डेंडर एक दिन में ही ठीक हो जाएगा, दो घंटे के बाद आपको यू फील वेरी, मतलब बहुत अच्छा हो गया, तो बहुत अच्छा लग रहा है। एक तो ये हो गया। दूसरा, अगर आप चाहते हो बहुत ज्यादा है जी क्या करूं मैं, तो रात को सोने से पहले दो चम्मच गोले का तेल उसको थोड़ा गर्म कर लीजिए, नारियल का तेल, कोकोनट ऑयल, उसमें एक नींबू निचोड़ दीजिए, नींबू निचोड़ लिया आपने, नींबू निचोड़ने के बाद उसको जो है स्कैल्प में लगाना है, जब लगाएंगे तो बहुत जलन होगी आपको। हाँ, नींबू लगा के जलन, बहुत जलन होगी क्योंकि वो अंदर तक जो है ना, क्योंकि वो टॉर्चर है, अंदर की स्किन टॉर्चर है, एक तरह का सेमी सॉलिड घाव उठा है तो उसको लगेगी, तो उसके बाद जो उसको रिपेयर भी करेगी, अब सुबह खाओगे तो ठीक हो जाएगा। अच्छा, दूसरा उपाय क्या है, सिंपल मेहंदी लेनी है आपको, जो मेहंदी पाउडर उसको क्या करना है, रात को लगाना है, भले ही आपके बाल काले हो सब कुछ हो, लेकिन डैंड्रफ के लिए कर रहे हो, जितने भी उस दिन मेहंदी को पूरा अच्छे लगाइए और तीन घंटे के बाद उसको साफ कर दीजिए, तीन घंटे के बाद आपका स्कैल्प बिल्कुल साफ मिलेगा, अंदर से डैंड्रफ नहीं होगा, वो सारा लेके निकल जाएगा। मेहंदी फायदेमंद है डैंड्रफ दूर करने के, बिल्कुल। लेकिन सर आजकल तो मेहंदी के नाम पे भी केमिकल बेचा जाता है, तो कौन से वाली थी, मैं अगर इस बात को सुनने के बाद हर आदमी दुकान जाएगा मेहंदी खरीद के लाएगा, लेकिन आप ये क्लियर कीजिए कि मेहंदी कौन सी, हजारों वैरायटी है, बहुत अच्छा होगा मेहंदी के पत्ते मंगा लो आप, मेहंदी के पत्ते और मिक्स में पीस लो जी, बहुत अच्छी, पहले तो हमारे गली अगल बगल गली कुछ में बहुत होते थे, अब वो चीज नहीं रही, प्रकृति खत्म होती जा रही है। आप कुछ नहीं करना, बरगे ही ना, यानी कि उसको उड़ दो, बरगे न बलते, मेहंदी के पत्ते मंगा लीजिए, मिल जाते हैं, हाँ सब मिलता है, उसको आप पीस लीजिए, वो उसमें मिलावट के कम से कम चांस कम है, ठीक है, उसको लगाइए, और दी बेस्ट मेडिसिन है फॉर द डैंड्रफ, ये बहुत अच्छी बात है। और सर अगर मेहंदी में आंवला और शीका का मिला के लगाया जाए तो वो भी अच्छा है, लेकिन वो फिर अलग ग्रोथ में आ जाता है कि हमें मुझे बाली बढ़ाने जी, मुझे बाली मजबूत भी करने, क्योंकि अगर कोई इंसान है जिसको बाल, देखिए जिसके बाल झड़ रहे हैं डेंड्रफ की, हो सकता है डेंड्रफ की वजह से भी झड़ रहे हो, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी तो है ही, लेकिन अगर डेंड्रफ कारण है, या बाल झड़ने वाले इंसान के बाल भी झड़ रहे हैं, डेंड्रफ भी है, और अब जिसके बाल झड़ रहे हैं वो तीनों चीज चाहेगा, बिल्कुल, वो चाहेगा डेंड्रफ भी दूर हो, बाल भी झड़ने से रुक जाए और फिर बालों की ग्रोथ भी हो, बिल्कुल। तो फिर क्या उसके लिए मेहंदी, आंवला और शीका का, अलसी के बीज, अलसी के बीज कितना कितना मिलाए, अलसी के बीज, ये तो जो मेहंदी है मान लो 100 ग्राम मेहंदी है तो इसमें केवल 20 ग्राम आंवला, शिकाकाई और वो अलसी के, अलसी के 20 ग्राम मिलाने, तो वो कहते हैं एक सॉलिड बन जाता है, वो एक टेक्सचर सा बन जाएगा। हाँ जी, और उसको भिगोना है रात को लोहे के पात्र में। हाँ। अब दूसरा कंडीशन आ गई क्योंकि हमें बालों की भी ग्रोथ चाहिए, बालों को ब्लैक भी करना है हमें, तो पात्र भी लेना है लोहे का उसे भिगो देना है और उसको लगाएंगे, 3 घंटे लगा दो और साफ करो। अलसी के बीज कैसा, डायरेक्ट बीज डाले पीसने, पाउडर है ना सर, अलसी का पाउडर है ना उसका, अलसी मार्केट से लाए जो पाउडर बना है उसमें लुआ पैदा होता है, ऐसे शैम्पू बन जाएगा वो, बिल्कुल गाढ़ा शैम्पू बन जाएगा ऐसे लुआब सा, और जब बालों में लगाएंगे तो थिकनेस ही हो जाएगी और अंदर से डैंड्रफ को लेकर निकलेगा, पोर्शन देकर निकलेगा, चिकनाहट देगा अंदर और बालों को घना काला लंबा घना बनाएगा जी। तो सर इनके अलावा और कौन कौन से होम रेमेडीज है डैंड्रफ के लिए? देखो डैंड्रफ के लिए तो वैसे तो मैंने बता दिए, अगर फिर भी है तो सिंपल ग्रीसिन, ग्लिसरीन, मान लो कोकोनट नहीं लेना तो ग्लिसरीन ले लीजिए और उसमें नींबू निचोड़ दीजिए, वो आप लगा लीजिए। सर कोकोनट ऑयल की जगह तिल का तेल ले लीजिए, नारियल के, और आपका बादाम का तेल, नीम का तेल, मतलब कोई भी ले सकते हैं, कोई भी तेल, बस कोकोनट में क्या स्टिचिनेस कम है, मतलब उसमें ना ज्यादा गाढ़ापन नहीं है। हाँ। और तेल हल्का गाढ़ापन है, क्योंकि सर सर्दियों में क्या होता है ना, नारियल का तेल जम जाता है। हाँ, तो आप सिंपल तिल का तेल, तिल का तेल बहुत बेस्ट है, बहुत बेस्ट है, वो आप ले लीजिए, क्योंकि तिल के तेल को ना सीसम ऑयल को एक रेमेडी के तौर पर जाना जाता है, राधा धन के सरसों के तेल, वो एक मेडिसिन बन जाता है, तो आप उसको यूज करेंगे तो बहुत ही अच्छा काम करेंगे, ज्यादा अच्छा तिल का तेल, क्योंकि सर्दियों में अगर नारियल का तेल लगाएंगे ना, हाँ वो नहीं होता, वो जम जाएगा, जमने के बाद फिर वो डैंड्रफ जैसा ही लगता है। ठीक है, ठीक है, तो उसको हटा दीजिए सर्दियों में, गर्मी में यूज कर लीजिए, इसको तिल का तेल जी। सर बहुत से लोग कहते हैं कि डैंड्रफ दूर करने के लिए मुल्तानी मिट्टी से बाल धोने चाहिए ना, मुल्तानी मिट्टी और दही मिला के, बिल्कुल ठीक, क्या इससे डैंड्रफ दूर होता है? दही भी हल्का खट्टा, हल्का खट्टा, ये ताजा दही लिया वो ले लिया। हाँ। और आपका घर का बना होना चाहिए, मार्केट के नहीं, थैली ले आए आप, थैली इतना दही, वो तो प्रोडक्ट है आपका, वो तो केमिकल, वो दही नहीं है, आपका दही जमा होना चाहिए और कम से कम एक दिन पुराना होना चाहिए, उसके अंदर साइट्रिक एसिड होगा ना, तब वो उसको खा पाएगा। अच्छा, दही हो लगभग एक दो दिन पुराना, खट्टा हो, खट्टा हो,
तो उसमें मुल्तानी मिट्टी लगा के बालों को लगाए तब काम करेंगे। अच्छा, तो ये डैंड्रफ के लिए बहुत फायदेमंद है। लेकिन सर जिस इंसान की, चलिए मुल्तानी मिट्टी तो ये है कि जिस इंसान की ऑयली स्किन है उसके लिए तो बहुत बढ़िया है मुल्तानी मिट्टी, लेकिन अगर जिस इंसान की स्किन ड्राई और नॉर्मल है तो उसके लिए मुल्तानी मिट्टी का अल्टरनेटिव है कोई? वो उल्टा उसके लिए तो मैंने बताया ना आपको, कोकोनट ऑयल या अच्छा वो इस्तेमाल कर सकते हैं, सबसे बेस्ट रेमेडी है। और फिर सर ऑयलिंग कर रहा है इंसान तो सिर को किससे धोए, क्योंकि ये जितने भी शैम्पू हैं ये तो मना किए जाते हैं। हाँ, सर कैसे धोए? सर कैसे धोए? आंवला रिठा सिकाकाई, इसका शैम्पू आप खुद घर बनाओगे। सर कैसे बनाया जाएगा? कुछ नहीं बनाना, इक्वल क्वांटिटी में ले लीजिए आंवला सिकाकाई और रीठा। हाँ, और झाग जाना चाहिए तो रीठे को थोड़ा और बढ़ा लीजिए उसमें, ठीक है, तीनों को पीस लीजिएगा, हल्का बारीक नहीं करना, हल्का पीस लीजिए और उसको आप भिगो दीजिए। कम से कम मान लो 300 ग्राम लिया ना, तो 100 ग्राम लिया तो कम से कम 600 ग्राम पानी में उसको भिगो दो। जी, भिगो दिए, सुबह उसको मथिए, ठीक है, मत के उसको उबालिए पानी में, ठीक है, ज्यादा नहीं उबालना है, केवल 10 मिनट। अब उसको दोबारा छान लीजिए, अब फिर उसको दोबारा उबालना है। अब दोबारा जब उबालना है तो उसको तरीका बताता हूँ मैं आपको। जैसे तवा लिया आपने, तवे के ऊपर नमक डाल लिया या मट्टी डाल ली या बजी डाल ली, क्योंकि और जो जिस पात्र में आप उबाल रहे हो वो पात्र ऊपर रखना है। अच्छा, तवे के ऊपर रेत बजरी नमक या कुछ भी रख दो और उसके ऊपर फिर आपको पात्र रखना है। ताकि अब उसका जो पानी एक्स्ट्रा उसको एवोपरेट करना है, ठीक है जी। अब उसको आप जब कम से कम आधा घंटा एक घंटा हो जाए, वो उबल जाए समझाए, तब छान कर रख लीजिए। वो आपका घरेलू शैम्पू बन गया बिना केमिकल वाला, 500% शुद्ध। ये डेंडर भी दूर करेगा, डेंडर भी दूर करेगा, भी ग्रोथ भी देगा, ग्रोथ भी देगा, झड़ने से भी रोकेगा। आप इसमें कोई खुशबू मिला लीजिए, ये जो शैम्पू है ना इसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। सर एक क्वेश्चन करना चाहूंगा, मुझे पर्सनली लगता है कि शायद इसकी जरूरत लोगों को है ज्यादा। लोग डेंड्रफ को दूर करने के लिए मार्केट से शैम्पू लाते हैं जिसमें लिखा रहता है एंटी डेंड्रफ शैम्पू, तो क्या ये एंटी डेंड्रफ शैम्पू जो केमिकल से बने हुए होते हैं डेंड्रफ को दूर कर सकते हैं? फॉर अ टाइमिंग, जैसे लाओगे, हाँ जी, लगाते आपको ओ एक मिनट डेंड्रफ गया। हाँ, लेकिन जब तक ये ठीक नहीं हुआ, जब तक यहाँ चिकनाहट नहीं आई, तो आप ये क्या करें, जैसे मान लो यहाँ मैला पड़ा हुआ है, गोबर पड़ा हुआ है, मैंने मट्टी डाल दी उस पर, फिर और बदबू आई तो और मट्टी डाल दी, रूट कॉज नहीं गई है उसकी। तो मतलब जब पहले पेट ठीक करना जरूरी है, उस पर पोषण दो, उसकी ठंडक दो, विटामिन लो, मिनरल्स लो, और ड्राई फ्रूट्स रात को भिगो के लीजिए, मान लो आलमंड मिल के रात को बादाम भिगो दिए 15-16, और उसको छीलिए, मिक्सी में डालिए, उसका पेस्ट बन जाएगा, एक गिलास पानी डालिए, पीजिए, इंटेस्टाइन में पोषण मिलेगा आपको। यहाँ तक मतलब शरीर को पोषण देना जरूरी है पहले, यहाँ तक जाएगा, यहाँ की चिकनाहट सब खत्म। लेकिन जितने भी एंटी डेंड्रफ शैम्पू बेचे जाते हैं मार्केट में, ये डेंड्रफ को दूर नहीं कर सकते। भाई देखो मैं कह नहीं सकता ये कुछ नहीं है, क्योंकि सर हमने देखा है एंटी डेंड्रफ शैम्पू, किसी भी कंपनी का हो, आप एंटी डेंड्रफ शैम्पू को लाइए, उससे बाल धोइए, शुरुआत के 3-4 घंटे तो आपका डेंड्रफ नहीं होगा, रहेगा, खुशबू आएगी, मजा आएगा आपको, लेकिन उसके बाद वो डेंड्रफ खत्म वापस आता है, फिर वापस आएगा। तो वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, वो शैम्पू इस्तेमाल करने के कुछ घंटे के अंदर तक ही सॉल्यूशन मिलता है बस। ठीक है, आप टीवी देखते हो ना एंटी डेंड्रफ शैम्पू, टीवी में देख रहे हो, टीवी देख रहे हो, टीवी तो आपके माइंड में आ जाता है यही है, यही है, यही है। ये नहीं बना एक नींबू ले लो पानी में छोड़ दो, उससे ठीक हो जाओ, एक नींबू पानी में निचोड़ के लगा लो उससे ठीक हो जाओ, या फिर यह है कि आप रात को सिर पे तेल लगाओ, हाँ, अच्छे से मसाज करो, जो भी तेल आपको सूट करता है, सूट करता है, और नेचुरल तेल हो, और सुबह नहाने से पहले जो शैम्पू सर ने बताया आप उससे सिर धो लीजिए, बस कितना भी डेंड्रफ हो किसी इंसान को, बिल्कुल जाएगा, 2-3 दिन तक वो डेंड्रफ वापस नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, और बिल्कुल परमानेंट ठीक होना है साहब, और धीरे 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 प्रॉब्लम परमानेंट ठीक होने लगेगी, दूसरों को ठीक करोगे आप फिर जब खुद ठीक हो जाओगे तो। जी सर ये बात तो है। तो सर आपका धन्यवाद कि आपने इससे पहले हमें बताया था कि बाल झड़ने से कैसे रोके, अब आपने बताया कि डेंड्रफ से कैसे छुटकारा पाएं। बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं कि आपके ये नुस्खे लोगों की मदद करेंगे डेंड्रफ से निजात पाने में। अगर आप चाहते हैं सर से कांटेक्ट करना, तो कोई सी बीमारी से रिलेटेड अगर आप आयुर्वेदिक उपचार चाहते हैं, तो सर की कांटेक्ट डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में आपको मिल जाएगी, जहां से आप सर से कांटेक्ट कर सकते हैं, या आपको जिस भी डॉक्टर पे ट्रस्ट है आपके पास, आप चाहें तो उनसे भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं आपकी किसी भी बीमारी से जुड़ी समस्या का समाधान, तो अगर आपको कोई बीमारी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं आप कौन सी बीमारी का आयुर्वेदिक उपचार चाहते हैं, होम रेमेडीज चाहते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा सर के माध्यम से या अलग अलग आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के माध्यम से आपको अलग अलग बीमारी की होम रेमेडीज बताई जाए, आयुर्वेद में किस तरह से उस बीमारी को ठीक किया जाता है, ताकि आप इलनेस से वेलनेस की तरफ बढ़ सके। धन्यवाद, धन्यवाद सर।